जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं योगेश मिश्रा आप सभी का दैनिक रोजगार समाचार प्लस अमर उजाला की महत्वपूर्ण खबरों में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें हम TGPET 27,000 नई शिक्षक भर्ती, LT ग्रेड 12,000 नई शिक्षक भर्ती, 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, साथ ही TGPET 2021 को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो सारी खबरों को 1x1 कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले यहां पर आपको देखने को मिलेगा सरकार का एक और बड़ा जुमला, चुनाव से पहले एक और बड़ा तोहफा, और ये तोहफा किसी भर्ती को लेकर नहीं बल्कि मोबाइल और टेबलेट बांटने को लेकर के। देख सकते हैं कि BS लेकर MD, BTEC, MTEC, PhD के छात्रों को मिलेगा ये बड़ा तोहफा, 2035 करोड़ रुपए का यहाँ पर आदेश भी किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर जो है इतना सीरियस सरकार भर्ती को लेकर होती तो आज इस तरह से जो है ये प्रदर्शन नहीं हो रहा होता। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कराने की मांग पर अड़े योगी छात्र, रोजगार के लिए सड़क पर उतरे युवा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर बालसन चौराहे पर लगातार ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है 110वें दिन से, लेकिन कल की डेट में यहाँ पर महा आंदोलन आयोजित किया गया था। देख सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया चालू करने के लिए ये आंदोलन लगातार किया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है किन किन मुद्दों को लेकर ये आंदोलन किया गया था। साथ ही एक और यहाँ पर अच्छी खबर भी निकल के आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि प्रधानमंत्री से मुलाकात कराने की मांग की गई, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी तरह का आश्वासन न देने से युवा मुलाकात के लिए अड़ गए और बालसन चौराहे पर रात दिन प्रदर्शन को जारी रखने का ऐलान भी कर दिया गया। आप सभी को पता है कि जब इसके पहले प्रतियोगी मोर्चा के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था तो वहां से ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो अधियाचन की लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर कर दी गई है, लेकिन उसके अलावा यहां पर कोई भी संतोषजनक जो है बात नहीं कही गई है विज्ञापन को, और इसीलिए यहां पर और भी जबरदस्त आंदोलन देखने को मिला है। देख सकते हैं कि यहां पर यह भी कहा गया है कि जो है भारी दबाव के बाद यहां पर जो है प्रशासन ने बताया कि जो है PMO के कल सुबह अधिकारी प्रयागराज पहुंच रहे हैं और उनके समक्ष युवाओं की मांग पत्र को रखा जाएगा। प्रशासन की कोशिश होगी कि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए, लेकिन अंतिम निर्णय जो है PMO के अधिकारी ही करेंगे, ऐसा कहा गया है प्रशासन का। जैसा निर्णय होगा कल 12 बजे तक युवा मंच के पदाधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं जिन प्रमुख मुद्दों को लेकर आंदोलन चल रहा था उसमें 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, साथ ही TGPET 27,000 समेत तदर्थ के 30,000 पदों को जोड़ने की भी मांग की गई है। तो इस प्रकार से यहां पर 50,000 प्लस पद आप सभी को देखने को मिलेंगे। और यहां पर देख सकते हैं कि LT के 12,000, साथ ही उच्च प्राथमिक में BPED के 48,000, लेखपाल समूह ग के 50,000, तकनीकी संवर्ग आदि सभी विभागों में 5,00,000 से ज्यादा पदों को विज्ञापित करने के लिए यहां पर ये आंदोलन लगातार जारी था। और यहां पर साथियों अगर इसी प्रकार का दबाव देखने को मिला तो यहाँ पर जल्द से जल्द विज्ञापन भी जारी होगा, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि आज से यहाँ पर जो है अधियाचन का भी कार्य खत्म हो जाएगा, और अगर इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन हुआ तो 100% आप सभी का विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि इसका एक बड़ा रीजन चुनाव भी है और CM को भी पता है कि जितने युवा हैं जो है इन्हीं सभी को वोट करना है, और सिर्फ युवा नहीं जो है एक युवा के पीछे 5 से 6 इनके घर के सदस्य हैं, वो भी इनको वोट नहीं करेंगे, तो ये एक बड़ा रीजन है यहाँ पर विज्ञापन जारी करने को। और यहां पर इसके अलावा अगर हम बात करें अगली खबर की तो देख सकते हैं कि UPPSC एक सवाल के 3 जवाब, उत्तर कुंजी पर फिर से नया विवाद खड़ा हो गया है। और नेक्स्ट अगर बात करें TGPET 2021 की प्रतीक्षा सूची की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है प्रतीक्षा सूची को लेकर के भी एक नई बाधा यहाँ पर देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कि अशासकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक TGT और PGT के पदों पर प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति में तकनीकी पेंच फंस गया है। अभ्यर्थियों ने DC को पत्र लिखकर मांग की है कि नियम में संशोधन करें, साथ ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। DC को पत्र के माध्यम से यहाँ पर TGPET 2016 और 21 में चयनित कई अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं किया है, ऐसे में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों का पद स्थान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1988 के नियम 13(3) के अनुसार होना है, लेकिन जब अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड में संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि यही नियम उनकी काउंसलिंग को बाधित कर रहा है। और यहां पर अभ्यर्थियों का कहना है कि इस नियम के तहत जिला विद्यालय निरीक्षक के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या माध्यमिक जो है शिक्षा निदेशालय को काउंसलिंग कराकर प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को पदा स्थान की व्यवस्था कर दी जाए तो समस्या का स्थायी समाधान भी हो जाएगा, और इसीलिए यहां पर DC को पत्र भी लिखा गया। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।